तो भाई वीडियो के टाइटल से ही तुम्हें पता चल गया होगा कि आज क्लाइमेट का वीडियो बन रहा है। जिसका दिमाग प्रचंड होगा उसे याद होगा कि हम लोग पिछले पार्ट में कौन सा टॉपिक पढ़े थे। यार हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट पढ़ रहे थे, है ना, और इसमें भी लगभग सारे फैक्टर को पढ़ लिए थे, बस प्रेशर एंड विंड सिस्टम का थर्ड फैक्टर को नहीं पढ़े थे। इसका भी फर्स्ट और सेकेंड पढ़ लिए थे, थर्ड फैक्टर ही नहीं पढ़े थे। तो चलो थर्ड फैक्टर से ही शुरू करते हैं। तो थर्ड फैक्टर था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। भाई वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस के बारे में भी मैं तुम्हें बता दिया था। क्या बताया था, चलो यार फिर से एक बार रिकैप करा देता हूँ। देखो यार ये इंडिया है और ये मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी में तो साइक्लोन आता ही रहता है। साइक्लोन जब आता है तो आसपास के एयर में मॉइस्चर आ जाता है, आसपास के एयर में पानी का मात्रा आ जाता है। यार तुम्हें और एक चीज़ पता होगा कि मेडिटेरियन सी से होकर के एक जेट स्ट्रीम हमारे भारत की तरफ आता है। तो भाई जब ये हमारे भारत की तरफ आएगा तो साथ में मॉइस्चर को भी लेके आएगा, मेडिटेरियन सी का मॉइस्चर को लेके आएगा। और जब यहाँ पर हमारे भारत देश में आएगा तो क्या मिलेगा इसे, हिमालयाज मिलेगा। हिमालयाज से थोड़ा मोड़ा बातचीत होगी और हिमालयाज बोलेगा कि भाई तुम तो चले जाओ लेकिन तेरा मॉइस्चर को मेरे पास छोड़ दो। भाई ऐसा नहीं होगा, देखो हिमालयाज में तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो जब ये साइक्लोन इस हिमालयाज से गुजरेगा तो इस मॉइस्चर का टेम्परेचर कम होगा और ये क्लाउड बन जाएगा। जेट स्ट्रीम तो चला जाएगा लेकिन जितना भी बादल है वो रुक जाएगा और हमारे इंडिया का मेन लैंड में बारिश हो जाएगा, जिससे कि किसान के फसल को पानी मिल जाएगा और किसान लोग नाचने लगेंगे, डांस करने लगेंगे। वाह यार वाह, कितना अच्छा बारिश हो गया ऐसा कह के। अब देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। देखो भाई ये इंडिया है ना यार, तुम्हें तो पता ही है कि इंडिया तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ तो बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ इंडियन ओशियन है, एक तरफ अरबियन सी है। तो भाई ये बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, अरबियन सी, इस आसपास कभी कभी साइक्लोन उठता है, उठता है ना। अधिकतर तो यार बे ऑफ बंगाल में ही साइक्लोन उठता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि ये साइक्लोन साइक्लोन क्या लगा रखा है, किसे कहते हैं साइक्लोन। देखो भाई ध्यान से समझना, यहाँ पर इंडिया का मेन लैंड है, मतलब यहाँ पर लैंड है, उसके बाद ये आसपास भी लैंड है। तो भाई देखो इधर उधर चारों तरफ लैंड है और बीच में वाटर है, चारों तरफ तो नहीं लेकिन तीन तरफ लैंड है और बीच में वाटर है। जब लैंड में हाई प्रेशर बनेगा तो वाटर में लो प्रेशर बनेगा। अब वाटर में लो प्रेशर बन गया है और लैंड में हाई प्रेशर बन गया है। लैंड तो वाटर के तीनों तरफ है इसलिए तीनों तरफ से स्पीड से हवा आएगा। जब स्पीड से हवा आएगा तो बीच में टकरा कर घूमने लगेगा। जब घूमने लगेगा तो भाई हवा ना घूमेगा लेकिन पानी के ऊपर घूम रहा है, इसलिए पानी को भी अपने साथ उड़ाएगा, जिससे कि हमारे इंडिया का मेन लैंड में बारिश होगा। तो भाई इससे भी हमारा इंडिया के क्लाइमेट इफेक्ट होता है। देखते हो ना जब बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आता है तो उसका प्रभाव उड़ीसा में कितना भयानक पड़ता है। यार कुछ भी कहो हमारे झारखंड तक भी इसका प्रभाव आ जाता है। यदि तुम न्यूज़ देखते होगे ना तो ये सब के बारे में पता होगा ही। तो चलो यार अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, द इंडियन मॉनसून। भाई ये टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, मॉनसून मतलब तो समझते ही हो। हाँ यार ये तो मैं क्लाइमेट चैप्टर के पार्ट 2-3 में ही बता दिया था। मोटा मोटी देखा जाए तो बारिश होता है ना उसी को मॉनसून कहते हैं। तो भाई मॉनसून ऐसे थोड़े ना आ जाएगा, उसके लिए हवा चलना होगा। तो मॉनसून का जो हवा चलता है ना उससे इंडिया को बहुत फ़ायदा होता है। यार पूरे वर्ल्ड में ना बहुत कम ऐसे जगह हैं जहाँ पर मॉनसून होता है। देखो मान लो ये अर्थ है ना, तो भाई अर्थ को थोड़ा गोल बना देते हैं। मॉनसून सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया में ही होते हैं, टेम्परेट रीजन में कहाँ होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में ही होते हैं। तो मान लो ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ का 20 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ पर 20 डिग्री साउथ है, तो भाई इतना जगह में ही मॉनसून होता है। और हमारा इंडिया तो 20 डिग्री नॉर्थ के आसपास ही लोकेटेड है, इसलिए हमारा इंडिया में भी मॉनसून होता है। अब तुम सोचोगे कि यार इंडिया में मॉनसून होने का कारण क्या क्या चीज़ है, तो भाई हम लोग वही पढ़ेंगे कि इंडिया में मॉनसून कैसे होता है, वो फैक्टर्स को पढ़ेंगे जिस फैक्टर्स के कारण हमारे भारत देश में मॉनसून होता है। पहला फैक्टर जो कि तुम सालों से पढ़ते आ रहे हो, देखो यार ये इंडिया है और इधर वाटर है,
भाई जब इंडिया में लो प्रेशर बनता है तो इंडिया के चारों ओर जितना भी वाटर है उसमें हाई प्रेशर बनता है, तो हमेशा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहता है। तो जब हवा पानी से लैंड की ओर जाता है तो अपने साथ मॉइस्चर भी लेके जाता है, जिससे कि हमारा भारत देश में बारिश होती है। अब सेकेंड फैक्टर देखो यार, मान लो ये अर्थ है और ये सन है, मान लो हाँ सन है। भाई तुम्हें ये बात पता है या नहीं कि हमारा अर्थ 23 डिग्री झुका हुआ है? तो ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ऊपर आर्कटिक सर्कल है और नीचे अंटार्कटिक सर्कल है। ये सब पता है ना? हाँ भाई ये सब पता नहीं रहेगा, ऐसा बात करते हो। हाँ यार, और ये भी पता है कि धरती सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो भाई देखो यार, यार जब धरती सन के राइट साइड में रहता है तो उस समय उसका फेस अलग रहता है, और जब धरती सन के लेफ्ट साइड में रहता है तो उस समय उसका फेस अलग रहता है। जब धरती सन के राइट साइड में रहता है तो सन का डायरेक्ट सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास पड़ता है, जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास मानसून आता है। और जब धरती सन के लेफ्ट साइड में होता है उस समय सन का सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास पड़ता है, मतलब डायरेक्टली पड़ता है, तो उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास मानसून आता है। भाई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को तो अभी छोड़ो, हम लोग को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही देखना है, क्योंकि हमारा इंडिया तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ही ना लोकेटेड है। तो भाई ध्यान दो, कभी सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास डायरेक्टली पड़ता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ज़्यादातर समय तो इक्वेटर के आसपास डायरेक्टली रोशनी पड़ता है। तो भाई टाइम टाइम पर सन का डायरेक्ट रोशनी शिफ्ट होता रहता है, तो इसी को कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास सनरेज डायरेक्टली पड़ता है तो उस समय इंडिया में मानसून आ जाता है। बात को समझ रहे हो ना यार? हाँ भाई यही है। और हाँ, ITCZ का फुल फॉर्म याद कर लेना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। भाई जरा तीसरा फैक्टर में भी नज़र डाल देते हैं। देखो यार, ये इंडिया है, अब तुम तो जानते ही हो कि ITCZ हमेशा शिफ्ट होता रहता है। तो जब ITCZ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास रहता है तो इंडिया के मेनलैंड में लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और भाई मदागास्कर इक्वेटर से सटा हुआ है, तुम्हें दिखाने के लिए मैं थोड़ा ऊपर बना दिया, मदागास्कर नीचे ही है। तो मदागास्कर में हाई प्रेशर बन जाता है और इंडिया में लो प्रेशर बन जाता है। अब भाई समझ ही सकते हो, मदागास्कर से हवा इंडिया की ओर जाएगा, अब जाएगा तो बीच में समुंदर पड़ेगा, तो समुंदर से पानी उठा करके इंडिया में लेके पटक देता है। बस मदागास्कर से जो हवा जाता है वो समुंदर से पानी उठा के इंडिया में लेके पटक देता है, और इंडिया में बारिश हो जाती है। अब थर्ड फैक्टर देखो, देखो यार यहाँ पर तिब्बत लोकेटेड है, तो तिब्बत का जो प्लेट्यू है ना वो जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि प्लेट्यू मतलब जानते ही हो कि सरफेस से थोड़ा ऊंचा रहता है। तो जब तिब्बत प्लेट्यू जल्दी गर्म होता है तो वहाँ से हवा ऊपर उठता है। अब यार एक चीज़ तो तुमने पढ़ा ही था कि गर्मी दिन में जेट स्ट्रीम हिमालय के नॉर्थ की ओर से बढ़ता है, मतलब तिब्बत प्लेट्यू से होकर बहता है। तो जब ये जेट स्ट्रीम इस गर्म हवा से टकराएगा तो ये गर्म हवा का रास्ता मोड़ देगा, और ये तिब्बत प्लेट्यू से जो उठा हुआ हवा है, मतलब ये जेट स्ट्रीम सीधे बे ऑफ बंगाल के आसपास आता है और फिर पानी उठा के इंडिया में लेके पटक देता है। देखो यार इसका रास्ता कैसे मुड़ता है, जैसे कि यहाँ पर से हवा उठ रहा है तो इधर से जेट स्ट्रीम आया और इसका रास्ता मोड़ दिया। साथ में कोरियोलिस फोर्स भी काम करता है भाई। कैसे? भाई धरती घूम रहा है ना, तो धरती जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसी डायरेक्शन में हवा भी घूमेगा, तो इसीलिए ये हवा बे ऑफ बंगाल के आसपास आ जाता है और फिर वहाँ पर से पानी को उठा के इंडिया में लेके पटक देता है, जिससे कि हमारे इंडिया में बारिश हो जाती है। यार बारिश हो जाती है। भाई इन सब फैक्टर के साथ ना और एक फैक्टर काम करता है, वो क्या चीज़ है? देखो भाई ये मान लो इंडिया है ना, और इसके साउथ में इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन भी हमारे भारत देश में बारिश करवाने का काम करता है। हाई प्रेशर लो प्रेशर से होता ही है भाई, बारिश होता ही है। तो टोटल मैंने 5 फैक्टर बताए जो कि हमारे इंडिया के मेनलैंड में मानसून को उठा के पटक देता है, और वो 5ों फैक्टर ज़बरदस्त फैक्टर है भाई। पहला फैक्टर तो यही है कि यार हमारे इंडिया के तीनों ओर तो पानी ही पानी है, तो लो प्रेशर हाई प्रेशर बनेगा, जब पानी में हाई प्रेशर बनेगा तो इंडिया में लो प्रेशर बनेगा। हवा जब समुद्र से उठकर आएगा तो थोड़ा मोड़ा पानी भी तो लेके आएगा और हमारे इंडिया में बारिश करेगा। अब सेकेंड चीज़ है शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। ITCZ यहाँ से वहाँ शिफ्ट होता है ना भाई, कभी इक्वेटर में रह जाता है तो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आ जाता है, तो इसके कारण भी हमारे भारत देश में बारिश हो जाती है,
क्योंकि उस समय इंडिया में लो प्रेशर बनता है और इधर नीचे पानी तरफ हाई प्रेशर बनता है। पानी की तरफ से हवा भारत में आएगा और फिर हवा के साथ मॉइस्चर भी आएगा, क्योंकि वो हवा पानी से होकर आ रहा है। अब मॉइस्चर आएगा तो हमारे भारत देश में बारिश हो जाएगा। उसके बाद मदागास्कर वाला देखिए, इंडिया में जब लो प्रेशर बनता है तो मदागास्कर के आसपास हाई प्रेशर बनता है। अब इधर से भी पानी उठ के इंडिया में ही जाएगा। उसके बाद इंडियन ओशियन भी थोड़ा मोड़ा काम करता है। उसके बाद तिब्बत प्लेटियों का जेट स्ट्रीम काम करता है। हाँ तो भाई, ये सब जो फैक्टर हैं हमारे इंडिया में बारिश लाने का काम करता है। तो यार आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और वीडियो पे एक लाइक ठोक के एक अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो भाई बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।